किसी को गोली नहीं, किसी को टांग खींच के नहीं। मेरा सिर्फ ये मैसेज है रजत फैमिली को और व्हाट्सएप आपको भी, जहाँ पर मैं नहीं भी होता कमेंट सेक्शन में, वहाँ पहुँच के रजत फैमिली के रजत के लिए फाइट करने के लिए। मगर वो कमेंट सेशन में आगे सिर्फ माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, सिर्फ माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू बगैर टाइम इसके। यार एक छोटा सा मैसेज है, कोई इतनी लंबी चली वीडियो नहीं बना रहा मैं, छोटा सा मैसेज है रजत भट्ट के लिए, रजत फैमिली के लिए। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा सुनिएगा यार, प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा यार, रिक्वेस्ट है, ठीक हो गया। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देख लें भट्ट साहब का, जो पहाड़ पे खड़े हो गए शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपनी फैमिली का, मतलब अपनी रजत फैमिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले वो क्लिप देख लें। आई लव यू माय रजत फैमिली, थैंक यू सो मच हर जगह पे भाई की इज्जत रखने के लिए। जहाँ पर मैं नहीं भी होता कमेंट सेक्शन में, वहाँ पहुँच के रजत फैमिली के रजत के लिए फाइट करने के लिए। ये था भाई छोटा सा क्लिप व्हाट्सएप का, जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपनी रजत फैमिली का। यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अच्छी बात है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। मगर वो कमेंट सेशन में आगे सिर्फ माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, सिर्फ माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। जिस तरह से मैं फिर आप पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं तो मुझे मेरा कोई मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। जो पहले हुआ वो सो हुआ, ठीक है, उसके लिए अपोलोजिस मैंने हैदर भाई से भी कर ली, आपसे भी कर ली, माँ जी से भी कर ली, सबसे कर ली, ठीक है। फिर ये गालियाँ निकालने का तुक नहीं बनता, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं जी आपकी फैमिली आपके लिए फाइट करती है कमेंट सेशन में आके, सर वो सिर्फ माँ बहन की गालियाँ निकालती है और कुछ नहीं करती, ठीक है, और कुछ नहीं करती। और जो इसके अलावा आपके साथ जो एक होता है बंदा, ठीक है, बंदा नहीं उसे मैं कहूँगा, ठीक है, वो समझ लेंगे जी जो है बच्चा ही है, वो छोटा बंदा तो नहीं है, वो बच्चा ही है छोटा, जो नाम नहीं मैं लूँगा उसका, ठीक है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसने क्या चाह रहा था यार, तुम रोस्टिंग बड़ी प्यारी करते हो यार, ठीक है। और वो इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है अपनी वीडियो में, आप जो है रोकने के बजाय इसको और पुश कर रहे हैं। आप फैमिली का एक मेंबर होने के नाते आपका साथ देना मेरा फर्ज है, ठीक है। यार कितनी एज है इसकी, हार्डली इसकी एज होगी कोई 14 साल या 15 साल इसकी एज होगी, और ये अपनी वीडियो में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से भट्ट साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, मतलब रजत फैमिली का मेंबर होने का मतलब ये है कि जी आप अगले की माँ बहन एक करें, अगले को माँ बहन की गालियाँ निकालें, ये तो नहीं ना भाई होता फिर, ये तो फिर कोई फैमिली ना हुई ना, ये तो फिर गुंडागर्दी हुई ना, ये तो फिर इसका मतलब उस ऊपर से इसकी एज आप देख लें यार, छोटी सी एज है, इस छोटी सी एज में आप इसको समझाने के बजाय आप इसको और पुश कर रहे हैं कि यार भाई तुम रोस्टिंग अच्छी कर रहे हो और लगे रहो। क्योंकि भट्ट साहब आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि भाई किसी को गाली नहीं देनी, किसी की टांग नहीं खींचनी, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ आप, किसी को गाली नहीं, किसी की टांग खींच के नहीं, ये वो वीडियो है जिसमें आपने कहा था भाई किसी को गाली नहीं देनी, किसी को किसी की टांग नहीं खींचनी। गालियाँ सर जी मैं कहता हूँ कमाल हो गया, रजत फैमिली ने वो गाली निकाली वो जात जात की गाली निकाली कि वाकई में मैंने सारी ज़िंदगी नहीं सुनी भाई, जो कि गलत बात है। मेरी वीडियो देख लें, मेरी किसी भी रोस्टिंग वीडियो में आपके बारे में कोई गलत लैंग्वेज नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आगे थोड़ा सा और उसी वीडियो का पार्ट आगे थोड़ा और देख लेते हैं जो आपने रोस्टिंग के बारे में कहा। रोस्ट शोस करके नहीं, ठीक है, चाहे रोस्टिंग जो है वो यूट्यूब पे अलाउ की हुई है, लेकिन है तो किसी की टांग खींची है ना। ये देखिए सर, ये आपके ही अल्फाज थे कि भाई रोस्टिंग करके नहीं, ठीक है, किसी की टांग खींच के नहीं, किसी को गाली निकाल के नहीं, मगर सर आपकी सारी आवाम ने गालियाँ ही निकाली है और सिर्फ गालियाँ ही निकालते हैं, अभी भी गालियाँ निकालते हैं। मेरा सिर्फ ये मैसेज है रजत फैमिली को और व्हाट्सअप आपको भी कि आपको प्लीज़ अपनी इस फैमिली को रोकना चाहिए कि यार गालियाँ मत निकालें, क्योंकि मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, ना ही मैं अपनी वीडियो में कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मैं आप पे वीडियो तब ही बनाता हूँ जब आपकी ऑडियंस मुझे पुश करती है और मुझे गालियाँ निकालती है, फिर मैं आप पे वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो सर मैं आप पे कभी भी वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है। कोई आपसे कोई जो है वो जेलसी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, ठीक है, आपको मैं भाई ही मानता हूँ अपना, ठीक है, मगर प्लीज़ अपनी ऑडियंस को, अगर आपने मेरे लिए वो वीडियो डाल दी थी ना अपनी चैनल पे, तो आप ये भी वीडियो डाल सकते हैं भैया इस बंदे को गालियाँ ना निकालें, मेरी ऑडियंस जो है मतलब रजत फैमिली की ऑडियंस अब्दुल सबूर ब्लॉग्स को जाके गालियाँ ना निकाले इसकी वीडियो पे या इसकी लाइफ पे, तो सर मैं आप पे कभी भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये मेरा मैसेज है आप पे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इसको सुन के इस पे एक्शन लाजमी लीजिएगा, अपनी ऑडियंस को मना लाजमी करें, ठीक है। मैं फिर भी भट्ट साहब उनको यही कहता हूँ, मतलब आपकी जो रजत फैमिली है उसको मैं यही कहता हूँ यार प्लीज़ भट्ट साहब की थोड़ी इज्जत का ख्याल रख लो, गालियाँ मत निकालो
और बीच में आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी तरफ आए हैं और जिन्होंने मेरी बात सुनी है और सुन के उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया है, ठीक है, और मतलब डेली वो लाइफ पे भी मेरे पास आते हैं, ठीक है, आप ही के सब्सक्राइबर्स हैं और लिखते हैं फ्रॉम रजब फैमिली, या तो वो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो समझ आते हैं, गालियाँ नहीं निकालते, मेरी रिक्वेस्ट सुन लेते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक ये जो ये बांदर का बच्चा है इसको रोकें, ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज ठीक करें जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पता है ना सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कैसे करना है, आगा को चौक के मारना है बटन के ऊपर और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा। टाटा फुर।